क्रोध, क्रोध बड़ा भयंकर रिपु, लोभ, भोग्य पदार्थ के प्रति आसक्ति चाहिए, लालसा, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, मोह, मिथ्या वस्तु में चित्त के दृढ़ अभिनिवेश, उसको मोह कहते हैं। वस्तु है मिथ्या, सत्यता है नहीं, लेकिन उसके प्रति चित्त के दृढ़ लगाव, वो बिना हमारा चलेगा नहीं, इसको कहते हैं मोह। घर में हमारा पुत्र है, पुत्र तो हमारा नहीं, ये तो जन्म के बाद हमारा शादी हुई है, हम जानते नहीं है कौन है हमारा पुत्र, उसके बाद नवागत आए हैं संसार में, तो उसका हम पुत्र मान लिया। जब पेट में था तभी हम जानते नहीं है पुत्र है कि कन्या है, जब जन्म लिया तब हम अहम मान लिया हमारी कन्या है, हमारा पुत्र है, तो हमारा पुत्र है नहीं। पुत्र होने से तो हम साथ ही लेके आते, हम जानते हैं जो कौन है हमारा पुत्र, भाई हमारा पुत्र है वो आने वाला है, ऐसे भी नहीं है, तो हमारा पुत्र नहीं है। ठीक है मान लिया, एक दिन रहेगा नहीं, एक दिन वो मरेगा नहीं तो हम मरेंगे, एक दिन तो छोड़ना है। जो भी संबंध है आगंतुक संबंध है, पहले था नहीं पीछे रहेगा नहीं, विश्व में दृश्यमान है, सिर्फ मनुष्य नहीं दृश्यमान भोग्य हर पदार्थ, पहले था नहीं पीछे रहेगा नहीं विश्व में दृश्यमान है। तो ये मिथ्या वस्तु है, हमसे इसका संबंध था नहीं है नहीं होगा नहीं होता नहीं, लेकिन इसके प्रति हमारे चित्त का लाभा लगाव, ये बिना हमारा होगा नहीं, ये पुत्र बिना हम बाचेंगे नहीं, ऐसे मिथ्या वस्तु में जो चित्त के दृढ़ लगाव होता है उसको मोह कहा जाता है। अगर हमारा लगाव नहीं है तो उसको मोह कहा नहीं जाएगा। घर में पुत्र होने से ही जो हमारा मोह है ये कहा नहीं जाएगा, घर होने से ही हमारे घर के प्रति मोह है ये कहा नहीं जाएगा। अगर हमारे आसक्ति नहीं है तो जाके कोई कोई बंधन का कोई कारण नहीं, उसको मोह कहा नहीं जाएगा। आसक्ति माने उसको बिना हमारा चलेगा नहीं, उसको कहते हैं मोह। मद, मैं ऐसा हूं, पंडित हूं, कुलीन हूं, मानी हूं, धनी हूं, ज्ञानी हूं, मैं त्यागी हूं, मैं बड़ा भजनानंदी हूं, मैं बड़ा सिद्ध हूं, ये सब मद, ये मद के अंदर ये गिनती में आता है। धन मद, विषय मद, शक्ति के मद, ये सब मद है। मात्सर्य, दूसरे का भला देख करके असहिष्णुता, कोई पैसा वाला हो रहा है हमारे सामने तो हम भीतर भीतर जल रहे हैं, ये साला दो नंबरी पैसा कमा करके खूब पैसा वाला बन रहा है, सोचते हैं कोई रकम से इसको अगर थोड़ा सा नुकसान हो जाए तो हमको बहुत खुशी होगी, हम जलते हैं, हम छोटा सुजुकी 800 गाड़ी में चलते हैं और वो एम्बेसडर में चलते हैं, हमारा जलन होता है छाती में है ना। तो इसको कहते हैं माश्चर्य, दूसरे का भला देख करके जलन होना, ऐसा नहीं साधु के लिए, ऐसा नहीं साधु के लिए, ऐसा होना चाहिए उसका भला होता है, आह अच्छा है, वाह ये सुखी है, हे प्रभु ये सुखी है, कोई बात नहीं सुखी रहनी चाहिए, सब सुखी रहना चाहिए, प्रभु तुम हमको दुख दो लेकिन कोई दुखी नहीं होना चाहिए, यह साधु का विचारधारा, साधु का ऐसे विचार होना चाहिए, दूसरे का भला देख करके आनंद होना चाहिए, वाह ये सुखी है, वाह आजकल तो कोई सुखी नहीं है संसार में, सब दुखी हैं, हम भी दुखी हैं, चल प्रभु इसको अच्छा रखा है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, ये ऐसा भाव होना चाहिए, लेकिन ना ये उल्टा मत्सरता, साधु में भी ये मत्सरता है, साधु बन गए हैं उसमें भी मत्सरता है, हमसे बड़ा आश्रम बनाया, बहुत बड़ा भंडारा करता है, बहुत जाग यज्ञ अनुष्ठान करता है, करोड़ों रुपये खर्चा करता है, हम छोटा सा एक आश्रम बना के बैठे हैं, हमारा जलन हो रहा, हम भी कब ऐसे बड़ा आश्रम बनाएंगे, ये भी मोह है, ये भी माया मोह ममता है, ये भी बंधन का कारण है।
साधक को इस विषय बहुत ध्यान रखना चाहिए। साधन करने आए हैं, कोई भी वस्तु के प्रति ममत्व बोध नहीं होना चाहिए। आसक्ति तो बहुत दूर की बात है, ये मेरा है ये बोध भी नहीं होना चाहिए। सिर्फ साधु नहीं, संसार में जो रहते हैं उनके लिए भी ये भावना होनी चाहिए, कोई हमारा नहीं, तो जाकर बंधन का कारण नहीं होगा। संसार होने से ही बंधन नहीं होता है, और जंगल में रहने से ही त्यागी नहीं होता है। जंगल में तो कितना जंतु जानवर कितना रहता है, तो सब त्यागी है। संसार में हमारे मुनि ऋषि सब संसारी थे, ऐसा थोड़ी हम उनके सब वंशज हैं हम, है ना। इसे गोत्र, गोत्र कहाँ से है, गोत्र शंडिल्य गोत्र, भरद्वाज गोत्र, ये सब गोत्र कहाँ से आया है, गोत्र मुनि, वो मुनि के परंपरा से आए हैं हम लोग, इसीलिए गोत्र सब संसारी थे। लेकिन हमारे जैसे ऐसे सड़ा संसारी नहीं थे, तपस्या करते थे। साधन जीवन का उद्देश्य है, मानव जीवन का उद्देश्य ही एकमात्र है हरि भजन, ये जान करके संसार रचना करते थे। कि किस लिए, न सृष्टि पालन के लिए, सुंदर संसार रचना करके सृष्टि का कुछ उपहार देंगे, जो हमारे जो वंशज है, हमारे जो पुत्र संतान जन्म लेगा वो संसार के लिए मंगल करेगा। इसलिए पुत्रष्टि यज्ञ करते थे, जो अच्छा पुत्र हो जाए। अरे भाई, पुत्र के लिए यज्ञ करने का क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है, वो तो मिलनधर्मी प्रक्रिया के द्वारा साधारण भाव सृष्टि होती है ना। ऐसा पुत्र नहीं, वो तो कुपुत्र है, जो संसार का कोई कल्याण नहीं कर सकता है, जो कामुक क्रोधी लोभी ऐसे प्रवृत्ति लेकर के, भोग वृत्ति लेकर के, हिंसा देश लालसा लेकर के संसार चक्र में घूमता है, ऐसे पुत्र तो कुपुत्र है। ऐसा पुत्र नहीं, जैसे ऐसे पुत्र होना चाहिए जो संसार के लिए वो मंगलकारी होगा, संसार को कुछ उपहार देंगे, कुछ अच्छा करेंगे, ऐसे पुत्र चाहिए। इसीलिए पुत्रिष्ट यज्ञ करते थे। तो संसार रचना ये मोह नहीं कहा जाएगा, लेकिन भोगिच्छा लेकर के जब संसार रचना करते हैं तो वो संसार है मोहमय संसार, मोह ममता पूर्ण वो संसार है, वो बंधन है, उसको गृहस्थ आश्रम कहा नहीं जाएगा, वो तो भोग आश्रम है, ऐसा है। तो ऐसा जो भावना लेकर के जो संसार में रहते हैं भोगेच्छा लेकर के, वो है भोगी। ऐसे आश्रम में रह करके भजन होना संभव नहीं है। भजन करने के लिए चाहिए ऐसे अनाशक्ति, जो कोई भी वस्तु हमारा नहीं है, ये ठाकुर जी का है, ठाकुर जी ने हमको भेजा है संसार में, संसार कर्म करना है, लेकिन हमारे मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य है हरि भजन, बस ऐसे जान करके। हरि भजन प्रधान है और ये क्रियात्मक नहीं है, जो घर संसार के समस्त कर्म छोड़ करके बस भजन में बैठ जाते हैं, ऐसा नहीं है। भजन का तो नियम तो रखना ही है, गुरु प्रदत्त तो नाम जब ध्यान धारण उपासना, ये तो अंधकार रहती हुए खूब उठ करके प्रभात में उठ करके स्नान ध्यान करके आसन में बैठ जाओ, जब तक सब कोई नहीं जागते हैं तब तक खूब भजन कर लो, फिर जब आप नित्य कर्म करो, वो कर्म क्या, भगवत कर्म, तत्कर्म हरितोषण, वो कर्म क्या है, न भगवत प्रसन्नता। हम संसार किस लिए करते हैं, न प्रभु के प्रसन्नता के लिए, संसार ये रचना करके हम भगवान को प्रसन्नता के लिए हम संसार रचना करते हैं, और उनके लिए, उनके प्रीति के लिए हम समस्त कर्म रहे हैं, ये कर्म हमारा नहीं है। ऐसे जान करके कर्म करने से कर्म बंधन का कारण नहीं होता है। भोगेच्छा लेकर के जब नाना प्रकार छल कपट, नाना प्रकार भोग वृत्ति लेकर के अवैध रूप में जो भी पैसा कमाते हैं, ये है बंधन का कारण। ये अपने को भी नष्ट करता है, समाज को भी नष्ट करता है, देश का भी अकल्याण करता है, है ना। तो इसीलिए ऐसे होना चाहिए, ये नहीं संसार में रहने से ही भजन कर नहीं सकता है, भगवान का प्रिय नहीं हो सकता है, ऐसा बात है नहीं। तो ये काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य, ये जो है ये है हमारे दुश्मन, हमको आगे बढ़ने नहीं देता है। एक एक रिपु दुष्पर, अगर हमारे भगवत उन्मुखी वृत्ति नहीं है, भगवान में हमारा मन नहीं है, भगवत चरण में
हमारा भजन करने के लिए कोई प्रवृत्ति नहीं है, तो जा करके यही एक एक रिपु हमारा दुश्मन बनकर हमको नाश करने में समर्थ है। ऐसे है काम, एक वृत्ति से बुद्धि नाश हो जाता है, जिज्ञासा से क्या कर बैठता है, कहाँ से कहाँ ले जाता है प्रवृत्ति, जा करके उसको मानव जीवन को चौपट कर देता है, कर देने में समर्थ है एक वृत्ति, सब नहीं। और क्रोध तो खतरनाक रिपु है ही है, थोड़ा सा क्रोध से मनुष्य क्या नहीं क्या कर बैठता है, अपना जीवन को समाप्त कर देता है, दूसरे को भी समाप्त कर सकता है, दूसरे को भी जीवन को समाप्त करने में वो हिचकता नहीं है, क्रोध ऐसी वस्तु है। तो ऐसे जो रिपु है, ये रिपु हमारा बाधक है, ये जाके हमको आगे बढ़ने नहीं देता है, ये कसाई का काम करता है हमारा। हम भजन करते हैं, एक रिपु आकर के हमारा भजन को नष्ट कर देता है, दो भी थोड़ा सा भजन साधन करते हैं कर रहे हैं, लेकिन एक ही रिपु प्रबल होकर के कभी कभी हमारा बुद्धि को विपर्जय करके हमको भगवत भजन से हटा करके संसार चक्र में धाकिल दे करके हमको संसार में प्रवृत्त करने में मजबूर कर देता है। ऐसा है काम, क्रोध, लोभ, मोह। भजन कर रहे हैं, एक छोटा सा बच्चा तुम्हारा मन को मोहित करने में बहुत समर्थ है, थोड़ा सा भगवान में मन लगा रहे हैं, घर में छोटा सा बच्चा है उसके प्रति हमारा बहुत ममत्व बुद्धि है, बस भजन में क्या बैठेंगे, वो रो रहा है, बस भजन छूट गया, जा करके भजन छोड़ के उसको उठा के गोदी में लेकर के भजन कर रहे हैं, चलो बैठ जा मुन्ना बैठ जा। अरे ऐसा कोई भजन होता है ऐसा कोई भजन होता है? मन तो पूरा पड़ा है बच्चा की तरफ, बच्चा गोदी में लेकर के माला कर रहे हैं, बच्चा शांत रहा, अरे भाई तुम थोड़ा सा भजन करने के लिए बैठे हो, थोड़ा सा समय दे पा रहे हो, अरे इसमें रोता है रोने दो ना, तो मर तो नहीं रहा है, तुम्हारी इसमें तुम्हारे भजन छूट गया और बच्चा को गोदी में लेकर के अच्छा चुप रहा और माला कर रहे ठक ठका रहे माला, बताओ तुम ही बताओ। जितना समय भजन करते हैं उस समय तुमको ये सोचना चाहिए, जो ये एक घंटा समय हम दे पा रहे हैं या दो घंटा मैक्सिमम, संसार जीवन में हम ज़्यादा समय दे नहीं पाते हैं, ज़्यादा देते हैं तो बहुत अच्छा है, बहुत उत्तम बात है ना, तो उस समय ये सोचना चाहिए जो इस समय हम बिक गए हैं ठाकुर जी के चरण में, अपने आप को बेच दिए हैं, अभी अगर हमारा संसार जल जाए प्रलय हो जाए फिर भी ये दो घंटा ये समय हम भजन छोड़ के नहीं उठेंगे, ऐसा प्रतिज्ञा करके बैठना चाहिए। हम संसार के लिए 24 घंटा है ना, 22 घंटा हम समय देते हैं, काम काज इत्यादि, खाना पीना इत्यादि, व्यवहार इत्यादि में हम 22 घंटा देते हैं, भाई दो घंटा तुम ठाकुर जी को दे नहीं सकते हो, एक घंटा दे नहीं सकते हो, इसमें भी तुम्हारा मोह ममता। घर में एक बर्तन, मन लो भजन कर रहे हैं, एक दृष्टांत भजन कर रहे हैं, एक बड़ा सा एक बर्तन या कुछ वस्तु गिर गया है, टूट गया है, खनखन खनखन आ गया, अरे क्या हुआ वहां है, देखते नहीं हो क्या हुआ, क्या गिर गया, अरे नहीं एक पीपा गिर गया, वस्तु बिखर गया, बस भजन छूट गया, देखते नहीं हो, ये करते नहीं हो, सावधानी से काम नहीं करते हो, ऐसे ऐसे ये नष्ट हो गया, ये हो गया, अरे भाई तुम भजन कर रहे हो, गिर गया। एक दृष्टांत है, ऐसे ही छोटी छोटी बात पर हम उलझ जाते हैं, हमारा भजन छूट जाता है, और वो भगवत प्राप्ति और उसमें तल्लीनता वो प्राप्त कैसे करोगे तुम, इतना छोटी सी बात पर तुम बिखर जाते हो, छोटी सी बात पर तुम्हारे चित्त विक्षेप हो जाता है, मन चंचल हो जाता है, भजन छूट जाता है। इसीलिए जब भजन करने बैठते हैं, सभी को, साधक के लिए तो कोई बात ही नहीं, साधक के लिए तो सोचना चाहिए हमारे सब मर गया है, हम जंगल में बैठे हैं, दुनिया से हमारा लेना ना देना, मगन रहना, आश्रम में रहने से थोड़ा सा सेवा कष्ट करना पड़ता है, लेकिन ये प्रभु के प्रसन्नता के लिए, हमारे कर्म नहीं है, हमारे लिए कोई कर्म है नहीं, हम तुम्हारे कर्म कर रहे हैं। साधु के लिए तो अलग बात है, गृहस्थी के लिए
ऐसा होना नहीं चाहिए। जितना समय हम बैठते हैं आसन में उसमें समझना चाहिए, आप दुनिया जल जाए, मर जाए, खो जाए, नष्ट हो जाए, हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम ठाकुर जी के हैं, ठाकुर जी के चरण में ये 2 घंटा हम बिक गए हैं, अपने को बेच दिया, अब हमारे स्वतंत्रता है नहीं, ऐसे जान करके तुमको आसन में बैठना पड़ेगा, भजन करने के लिए बैठना पड़ेगा। सबको कहना पड़ेगा देखो ये जहाँ भजन में बैठते हैं खबरदार हमको टोकना नहीं, जो भी करना है करो, नहीं करना मत करो, लेकिन जब हम भजन में बैठते हैं खबरदार हमको टोकना नहीं, हमको बुलाना नहीं। हमारे बंगाल में आज तो देरी हो गया कथा का, ये बहुत अच्छा। अब तो बाबा भजन में बैठते तो फोन आ जाता तो ठीक है, कल फिर हम लोग आलोचना करेंगे, अब रात हो रहा है, अभी बोलिंग प्रसंग छेड़ देंगे ना तो 12 बज जाएगा, 11-12 बज जाएगा, सब दूर दूर जाएंगे ना, तो फिर काल आलोचना करेंगे इस विषय में। हैं, बहुत इम्पोर्टेंट यह है, किस लिए हमारा भजन नहीं होता है, हमारा मन क्यों नहीं लगता है, बहुत विशेष प्रश्न है, मन क्यों नहीं लगता है, बहुत सारे कारण है, उसका अनुसंधान करो, उसका रियलाइजेशन करो, क्या कारण है, कहाँ अटक गया है हमारे मन, कौन सा कमी के कारण हम फंस गए हैं, ये सब विचार करना चाहिए। फिर विचार करके फिर उस परिस्थिति से मन को हटाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, तो अब जाके धीरे धीरे साधु आगे निकल जाएगा, कोशिश करना पड़ेगा, है ना। अच्छा, जय जय राधे, काल फिर चलेंगे इस यहीं से, फिर काल चलेंगे। एक बात पूछना था कि आप कुछ दिन पहले बोल रहे थे व्यवहार से भरत महाराज का पतन हो गया था, वो तो किसी रिपु में नहीं आता व्यवहार, भरत महाराज जो हिरण के प्रति आकर्षित हो गए थे, क्यों नहीं रिपु में, क्यों नहीं आता है रिपु में, क्यों नहीं आता है, मोह तो मोह हो गया ना, जंगल के पशु, वो तो हमारा अपना हो नहीं सकता है, हम भजन करने आए हैं, हमारे ममता तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन ममता हो गया, यही तो मोह है, ममता माने वो नहीं रहने से हमको कष्ट होता है, उसको नहीं देने से, देखने से हमको कष्ट होता है, इसको कहते हैं ममता, ये ममता ही तो मोह का कारण है। ये ममता अगर भगवान में होता है तो मुक्ति का कारण होता है, ये ममता अगर संसार कोई वस्तु व्यक्ति के लिए होता है तो जाके वो बंधन का कारण होता है। ममता तो चाहिए लेकिन ये भगवान में होना चाहिए, वो ममत तो बोध आ गया ना, यही तो मोह है, मोह कारण भरत महाराज का ये मोह हो गया था हरिण शावक में। हरिण शावक जब चला गया, कोई जंगल में कोई जंतु जानवर खा गया या कुछ हो गया, उसको मिला नहीं, बीमार पड़ गया, बीमार पड़ गया, इतना मोह हो गया हरिण शावक में, बस उसी में उसकी मृत्यु हो गया, उसका चिंतन करते करते, हरिण शावक के चिंतन करते करते, कितना पैथेटिक, कितना दुखदाई, कितना कष्टदाई, इतना राजपाट छोड़ करके समस्त राजपाट, चक्रवर्ती राजा, इतना पुत्र सब, इतनी सब विद्वान, इतने सब पवित्र, ये ऐसे ऐसे पुत्र सब, परिजन सब परित्याग करके जंगल जा करके कैसे स्थिति प्राप्त किए हैं, बहुत ऊंची स्थिति प्राप्त किए हैं, भजन में तल्लीनता प्राप्त किए हैं, तल्लीन रहती थी, और ये हरिण शासक, हरिण शावक आकर के उनके समस्त मन को मोह लिया, और उसके मुँह में पड़ करके समस्त भजन चौपाट हो गया, आहा इससे बढ़कर क्या दुख हो सकता है, है ना। इसीलिए मोह एव ही कारणम, कश्यप पति पुत्राद्या मोह एव ही कारणम, कौन किसका पति पुत्र स्त्री पुत्र कन्या है, कोई किसी का नहीं है, मोह ही एकमात्र कारण है, ये जानकर साधक को बचे रहना चाहिए, जैसे मन को आकर्षित ना कर पाए, ऐसे चेष्टा करना चाहिए, है ना।